रात अभी तक सो रहे हैं, उठे ना, उठे उठे उठे। यालिया क्या है, अभी तो आज तो छुट्टी है, आज तो नींद के मजे ले रहे हैं। बस उठे जल्दी से, उठे, मुझे ना ही घर छोड़ के आए। तुम इस वक्त किसी और कमरे में चली गई। अमजद मुझे अभी नाहिद का फोन आया, एहसान भाई जो है ना वो जा रहे हैं इस्लामाबाद इतने सारे दिनों के लिए, तो बस मुझे छोड़ के आए वहां पे, मैंने उसके साथ टाइम गुजारना है कुछ। उठे तो क्या तुम वहां पे जाके एहसान का तबादला रुकवाओगी? नहीं ना, वो अब पता नहीं कितने दिनों के बाद आएगी, मैं कुछ वक्त तो गुजार लूं उसके साथ। आज तो तुम बिल्कुल मिर्जा गालिब लग रही हो। क्यों, क्या मैंने टोपी पहनी हुई है या मेरे शक्ल पे कोई दाढ़ी मुझे निकल आई है? प्लीज आलिया तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। टेना मैं नहीं उठ सकता। ठीक है सोए रहे, मैं गुलामों से कहती हूँ मुझे टैक्सी रोक दे बस, वो तो बस मैं जा रही हूँ। अच्छा जा रही हूँ, ओके टेक केयर, बाय बाय। वाकई चली गई है दो तीन दिनों के लिए, या अल्लाह खैर। हेलो हेलो अम्मा, मैं अमजद बोल रहा हूँ। अरे कहो अमजद, कैसे हो? अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है आलिया 3 दिन के लिए ना अपनी सहेली के घर गई है। आप एक काम करें, आप फौरन ना पहली फ्लाइट लेकर आप और सबा फौरन मेरे पास लाहौर आ जाए। अरे अमजद इत्तेफाक से हम तो एयरपोर्ट की तरफ निकल ही रहे थे। ये तो आलिया की किस्मत अच्छी है कि वो खुद से घर से चली गई, वरना मैं तो पहुंचते ही उसे चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ा करने की क्या जरूरत है अम्मा? अरे भाई, अगर मुंह जोर बीवी को घर से यूं निकाला जा सकता है जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, तो गैस के होते हुए तेल के चूल्हे क्यों इजाद होते? देखिए अम्मा, आपको मेरे होते हुए आलिया पे तशद्दुद करने की जरूरत पेश ही नहीं आएगी, बस आप जैसा कहेंगी वैसा इंशाल्लाह होता रहेगा। बस तुम ऐसे करना, 2 घंटे तक हमें एयरपोर्ट से ले लेना, बाकी बातें आमने सामने बैठ कर होंगी। ठीक है अम्मा, मैं आपका हर हुक्म आपके कदमों में बैठ कर सुनूंगा और सुनते ही फौरन उस पे अमली जामा पहना दूंगा, क्योंकि मैंने अपने सारे शलवार कुर्ते जो है ना दिलवा के इस्त्री करवा के रखवा दिए हैं। अच्छा खुदा हाफिज अमजद। ओके खुदा हाफिज। तो आप अंदर बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए। नहीं यार, पहले तो मुझे ये बता कि तेरा साहब नींद से उठाएगा नहीं? अल्लाह साहब जी, वो तो सोने से उठने के बाद अपना एयरपोर्ट भी चले गए हैं अम्मा जी और सबा बाजी को लेने के लिए। तो अम्मा जी और सबा बाजी आ रही हैं? हाँ जी कराची से। हाँ जी, आप आए ना अंदर बैठ के उनका इंतजार करें। अच्छा तो मुझे अंदर ले जाके शेरनी के मुंह के आगे डालना चाहते हैं? शेरनी? हमारे घर में शेरनी कब है साहब जी? भाभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप बीबी जी की बात कर रहे हैं? हाँ। तो बीबी जी तो सुबह सुबह चली गई थी, अपने नहीं बीबी नहीं है उनके घर, 2-3 दिन के लिए चली गई। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा कि रनवे खाली देखकर अम्मा लैंडिंग क्यों कर रही है। हाँ तो आप आए ना अंदर, आए बैठे हैं आके। नहीं आज मेरा भी दिल बड़ा उदास हो रहा है। तुम्हारा क्यों दिल उदास हो रहा है भाई? साहब जी वो असल में ना 2-3 दिन से ना मेरा अपनी अम्मा और बहन भाइयों से बड़ा दिल उदास हो रहा है। अच्छा तुझे एक मशवरा दूं? जी। तू फौरन शादी कर ले। है शादी? ये आप मेरी उदासी का इलाज बता रहे हैं? अबे नहीं यार, तूने सुना नहीं कि वो बड़े बूढ़े क्या कह गए हैं? वो कह गए हैं कि अगर माँ की याद आए तो आप शादी कर लो, बीवी के आने से माँ की याद नहीं आएगी, और जब अपनी औलाद पैदा होगी तो आपको अपने बहन भाई भी याद नहीं आएंगे। कैसा है? साहब जी वैसे मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता, हम जो पेंडू लोग हैं ना इन चीजों को तो मानते ही नहीं है, इसलिए एक बहन भाइयों को और अम्मा बाप को हम कभी नहीं मेरा मतलब है जी भूल सकते, कैसे भूल सकते। अब आप जाके उन्हें अंदर याद करो, मैं थोड़ी देर के बाद फिर आता हूँ। अच्छा अच्छा भाजी कितनी चीनी डालू? गुलामू मेरी और अम्मा की प्यारी में 1 चम्मच चीनी। अच्छा और गुलामू मेरी चाय में भी 1 चम्मच चीनी लेकिन 3 दफा। अच्छा जी। अबे जल्दी कर यार। अच्छा,
चलो नौ दो ग्यारह दो। अच्छा हाँ, अब आप बताइए कि आपने मकसूद और उसके वालदैन को कब बुलाया? अरे बेटा, हमने तो यहाँ आज किसी को नहीं बुलाया, आज हम खुद जाएंगे महापारा के यहाँ। महापारा? हम्मा, आजकल के लड़कों ने लड़कियों की तरह बाली भी पहनी और उनकी तरह लंबे बाल भी रखे, क्या अब लड़कों ने लड़कियों की नाम भी रखने शुरू कर दिए महापारा? नहीं नहीं, तो महापारा लड़का नहीं लड़की है भाईजान। अगर सच पूछो अमजद बेटा, तो ये चांद का टुकड़ा है। लेकिन अम्मा, नगीना और सबा इस चांद के टुकड़े का क्या करेंगी? अरे मेरे भोले भाले बेटे, तेरे लिए ब्याह के ला रही हूँ महापारा को। अच्छा अम्मा, मेरे लिए? ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? अरे बेटा, जब तक आलिया की जगह दूसरी तेरी बीवी नहीं आएगी, नगीना और आलिया की शादी कैसे होगी? लेकिन अम्मा वो। अब अगर मगर का कोई फायदा नहीं, अम्मा ने तो पक्का फैसला कर लिया है। हाँ, मैंने उनसे फोन पे सारी बात तय कर ली है कि ये 6 बजे हम बारात लेके जाएंगे और 7 बजे दुल्हन को लेके वापस आ जाएंगे। वो अम्मा, ये आपका आखिरी फैसला है? ये मेरा अटल और आखिरी फैसला है। हाँ भाईजान, ये हमारी अम्मा का आखिरी फैसला और आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन वो अम्मा, हम इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे करेंगे अम्मा? भाई इस दफा तो शादी नहायत सादगी से होगी, बस तुम अपने चंद दोस्तों को इतला कर दो, बस साथ ले जाएंगे। साहब जी, हाँ? वो बाहर शबीर साहब आ गए। शबीर है? हाँ जी। बुलो, बुलो। लो, तुम्हारा एक दोस्त तो आ गया। हाँ। तुम बस बैठ के इसके साथ प्रोग्राम बनाओ, ये खुद ही बाकी लोग दोस्तों को इतला कर देगा। ठीक, ठीक है, ठीक है। और सबा चलो आओ, हम दूसरे कमरे में चलते हैं। ठीक है, बात दरअसल ये है कि जो काम तू और शबीर जो है ना अरसे दराज से नहीं कर सके ना, अम्मा ने यू 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 टेलीफोन पे कर दिया। मेरी शादी की बात भी पक्की कर दी, लड़की भी देख ली और बस सारा काम हो गया। नहीं तो मेरा मतलब है निकाह भी टेलीफोन पर कर देते यार, ताकि ये नेक काम जल्दी सर अंजाम होता। बेवकूफ, हम सब जो हैं 6 बजे शाम को बारात लेके जाएंगे और 7 बजे तेरी भाभी के साथ वापस आ जाएंगे। आज ही? मुबारक हो तुझे यार, तुझे बहुत मुबारक हो। इतनी सादगी से निकाह तो तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। बैठे। ओ आंटी, मैं तो आपके पास वही आ रहा था। अरे आंटी, आपने तो कमाल कर दिया, कसम से आपने क्या तारीखी फैसला किया। भाई फैसला तो मुझे इसलिए करना पड़ा बेटा कि आलिया तो उन बहुओं में से थी जो ससुराल का कभी भला नहीं चाहती। वही तो, वो तो पूरी मलका आलिया बनी हुई थी, बस सिर्फ हुक्म चलाती थी वो। हाँ। हाँ, पता है, वो तो उनमें से थी जिसका कोई अपना रिश्तेदार आ जाता तो ये दिलो जान से खातिर तवाजा करती, और अगर कोई किस्मत का मारा ससुराल से आ जाता तो ये माथे पे त्योड़ी डालकर सर पे पटा बांधकर सरदर्द का बहाना बनकर लेट जाती थी, और तो और अगर फिर भी वो ढीठ बनकर बैठ जाता तो दिल का दौरा डाल लेती थी। बस साला, वो क्या है कि अपने अपने मिजाज की बात। हाँ। मैं इसकी दूसरी शादी के मौके पर आपको 2 बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बल्कि 3 बार। अगर 4 बार दे देगा तेरे मुंह में छाले निकल आएंगे। मुझे इतनी खुशी भी नहीं। साहब जी, क्या हुआ? बेगम साहब आ गई। ये आफत इस वक्त कहाँ से आ टपकी? अबे सीधी इधर ही आ रही है। आलिया, आइए भाभी आइए, आपका अपना ही घर है। मेरी भी। सलाम अलैकुम। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है। वो आलिया, तुम तो कह रही थी कि तुम नाहिद के घर 2-3 दिन रह के आओगी। हाँ अमजद, मैंने रहना है जाके, मेरी एक चीज यहाँ पे रहेगी, वो वापस लेने आई हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो तुम आ गई हो तो तुम ना 2-3 मिनट शबीरू के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। आप कैसे हैं और आप उस दिन कहाँ गायब हो गए थे? मुझे ना हित को छोड़ के, ना आप वापस आए, ना जुबैर भाई वापस आए, हम इंतजार ही करते रह गए वहाँ पे। नहीं भाभी, सबसे पहली बात तो यह कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और दूसरी बात यह कि उस दिन मैं गया था, मैंने शहर के तमाम ब्यूटी पार्लर छान मारे, लेकिन वो जुबैर का कहीं पता नहीं चला, तो फिर इसलिए मैं भी वापस नहीं आया।
आप जल्दी से ना गेस्ट रूम में चले जाए, वो बारी आने वाली है इसी कमरे में। है आती है तो आ जाए, मैं क्या डरती हूँ। अम्मा इस बात को समझने की कोशिश करो, झगड़ा पाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अंदर से चुटकुले निकाल लेना, ठीक है? अम्मा थोड़ी देर के लिए आई होंगी, बस अभी चले जाएंगे। ओ बेगम साहबा जी, आप मुझे बताएं कौन सी चीज आप यहाँ भूल गई हैं, मैं भी आपको ला के देता हूँ। तो मैं नहीं पता चलेगा, मैं खुद ले लूंगी जाके। अरे मलका अली, आप मुझे हुक्म करें, जो चीज चाहिए मैं आपके खिदमत में अभी हाजिर कर देता हूँ। अमजद मुझे पता है कहाँ रखी है, मैं अभी जाके अंदर से उठा लेती हूँ। मुझे जरा शबीर भाई से बात तो कर लेने दें आप। अच्छा ठीक है, फिर तुम इत्मीनान से बैठ के बात करो। आपने क्या किसी के घर में चोरी की है या चोरी करने आए हैं? अम्मा आप थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती क्या? हर वक्त तुम जी 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 करती रहती हो। मैं तो कहती हूँ आज इस आलिया की बच्ची के साथ मुझे निपट लेने दो, ताकि माँ पारा तो अपनी जिंदगी कम से कम आराम से गुजार सके। ठीक है ठीक है, माँ पारा भाभी आएंगी ना तो आलिया भाभी खुद ही दुम दबा के भाग जाएंगी। बस आप थोड़ी देर चुप करके बैठ जाए प्लीज। मेरी समझ में ये नहीं आता शबीर भाई कि अगर उन्होंने वहां से गायब ही होना था जुबैर भाई ने, तो लड़की वालों को इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? हाँ वैसे भाभी ये उसकी बेवकूफी थी। लो भी आलिया, भाई बेवकूफ आदमी से बेवकूफी के अलावा किसी और की तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अमजद, इंसान को अपने किसी फैसले पे कायम भी रहना चाहिए। वही तो, सही कह रही है मेरी वाइफ, सही कह रही है। हाँ वो वैसे आलिया, तुम सुबह क्या चीज भूल गई थी? ओ हाँ माफ कीजिएगा शबीर भाई, एक मिनट जरा मैम। हेलो ओए बाबा, दोनों चले गए। यही रखा था, पता नहीं किधर चला गया है। आलिया अगर वैसे तुम मुझे बताओ ना तुम क्या ढूंढ रही हो, तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। गेस्ट रूम में रखा था मैंने, हटे। अच्छा ये तुम क्या कसम करने लगी हो? क्या मतलब है आपका? भाई तुम इस घर की मालका हो, मलका आलिया हो, तुम मलका आलिया होकर अब तुम गेस्ट रूम में जाओगी? क्या बात कर रही हो? मैं इस घर की मालिका हूँ, इस पूरे घर के किसी भी हिस्से में जा सकती हूँ। नहीं नहीं वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन देखो ना तुम मालिका होकर, भाई साफ सी बात है गेस्ट रूम में तो मेहमानों की चीजें होती हैं, वहां तुम्हारी कोई चीज कैसे हो सकती है भला? पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं, हटिए मेरे रास्ते में, देर हो रही है। क्या है? वो ऐसे ही नींद आ रही थी, अब्बासी ली है। ताला किसने लगाया इसे? ताला लगा हुआ है, वेरी गुड, मैंने कहा नहीं वो भाई इस कमरे को ताला तुम्हारे अलावा कौन लगा सकता है? मैं। हाँ तुमने लगाया होगा ताला, अभी गुलामों से पूछते हैं। गुलामों जी साहब जी, बात सुनो, तुमने ताला लगाया इस कमरे? नहीं जी, जी जी मैंने जी, ओ जी असल में बेगम साहबा जी आप कहती थी कि इस कमरे को ना सफाई करके तो ताला लगा देना, ताकि कोई अंदर जाके गंद ना डाले, इसलिए। मैंने कहा था। हाँ जी, तो मुझे याद क्यों नहीं है? देखो आलिया, देखो तुम मेरे हाफजे पे तो शक कर सकती हो, लेकिन तुम गुलामू साहब के हाफजे पे शक नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी से जाओ फटाफट चाबियों का गुच्छा लेके आओ, मुझे देर हो रही है। वैसे अगर चाबियों में गुच्छे के बजाय अंगूरों में गुच्छे चले तो मैं ले आऊं, हैं? लेकिन बेगम साहबा जी चाबियां तो हम उसे छिपा के रखती हैं, ताकि तुम फ्रिज से चीजें ना निकाल निकाल के खाया करो। अरे अब क्या चाबियां लेने भी मुझे जाना पड़ेगा। अम्मा अम्मा सबा चश्मे खोल के बातों में चुप जाओ, चुप जाओ। अरे आलिया ये देखो ये दरवाजा तो खुला हुआ था, तुमने इसको सीखते के तो प्रेस ही नहीं किया। ये कमबख्त, इतना मेरा वक्त जाया कर दिया इसने। तो तुम ये पफ ढूंढने आई थी? हाँ। तो ये पफ तुम वापसी में नहीं लगा सकती थी? हटे नाम दे, बस अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा चलो मैं तुम्हें ना बाहर गाड़ी तक छोड़ा हूँ। आलिया भाभी है या आफत का प्रकाला? आज शाम को इसे जान
छूट जाएगी तो शुक्र करूंगी। हाँ ये ना अमजद भाई ने खुद ही सर चढ़ा रखा है इन्हें। शिबीरू क्या हुआ? आलिया ने तो गैर मतवक तौर पर आकर हलचल मचा दी थी, मेरे तो आसाब तो गए यार। अच्छा बात सुन, अब तू आराम कर, मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा। वो अपने चार दोस्तों को भी बता देना यार, ताकि वो भी आए, तेरी बारात का पता तो चले ना, बारात आ रही है। हाँ हाँ हाँ, सबको ठीक तरीके से इत्तला करना और सबको कहना कि 6:45 तक यहाँ पहुंचे, बारात किसी का इंतजार नहीं करेगी, बारात 6 बजे रवाना हो जाएगी। चल ठीक है, ओके मैं गया, तू आराम कर, अच्छा शाम को आऊंगा। और कंगले ज्यादा कॉल तो नहीं की? चेक कर लूं, इसका कोई इतबार भी नहीं है। हैं? पिशावर कॉल मिला दी। हेलो अमजद, आलिया बोल रही हूँ मैं। नो, ये रॉन्ग नंबर है बेबी, यहाँ कोई अमजद नहीं रहता। सुने सुने सुने, प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा। यस यस बेबी। आप कौन बोल रही हैं? मैं मिस मैरिलिन बात करता। नहीं नहीं, आप मिस मैरिलिन हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपने घर में ही डायल किया। देखो बेबी, जब भी कोई अपना नंबर डायल करता तो उसको बिजी टोन मिलता। मैंने तो जी 7654321 ही डायल किया, ये मेरे घर का नंबर है। सॉरी, अगेन रॉन्ग नंबर। तो आप बोल कहाँ से रही हैं? देखो बेबी, हर बंदा अपनी टंग से, अपनी जबान से बोलता। बाय द वे, आप कहाँ से बोलता? किस मेम से पला पड़ गया मेरा। किसका फोन था सबा? आलिया भाभी का फोन था, और किसका होना था? क्यों, अब इसका क्या नाहिद क्या दिल नहीं लग रहा? मैंने नहीं पूछा, वो हमें चैन थोड़ी लेने देंगी, अभी दोबारा फोन करेंगी। गुलामू, ओ गुलामू। जी बीबी जी। हाँ, अमजद ने भी इसे कितना सर पे चढ़ा रखा है, अभी आई थी और अभी फोन भी कर रही है। अमजद भाई कहाँ है? वो जी अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं जी। अच्छा, तुम उनको जाके कहो कि अभी आलिया भाभी का फोन आएगा, बात कर लें। अच्छा जी। खुदा करे कि नाहिद उसे आने ही ना दे, वरना एन उस वक्त पर आ टपकेगी जब बारात रवाना होने वाली हो। हाँ, और फिर हमें समझ ही नहीं पड़ेगी कि हम कहाँ जाके छुप जाएं। अम्मा, सबक क्या आलिया का फोन था? हाँ अमजद भाई, कितनी मुश्किल से तो रॉन्ग नंबर कह के डाला उन्हें। मैं तो कहती हूँ आप भी तोते की तरह आंखें बदल लो, वरना माँ पारा के होते हुए अगर आलिया आ गई तो जंगो जदल पर उतर आएगी। अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं यूं रंग बदलूंगा कि आलिया ने इस किस्म का तोता पहले कभी देखा ही नहीं होगा। आप बस देखती जाइए, मैं करता क्यों। हेलो आलिया। हाँ अमजद। अच्छा एक बात तो बताएं, आपको घंटी की आवाज से कैसे पता चल गया कि मैंने फोन किया? जब आप फोन करती हैं ना, तो फोन चीख चीख कर पुकार पुकार के कहता है कि आलिया का फोन है, प्लीज मुझे उठा लो। सुनाओ खैरियत से तो हो नाहिद के घर? अच्छा आप जरा मुझे एक बात तो बताएं, अभी मैंने घर में फोन किया था तो किसी खातून ने अटेंड किया था, कौन आया हुआ घर में, किसने अटेंड किया था फोन? कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। आलिया यहाँ पे तो मक्खी जो है वो पर नहीं मार सकती, मेरे पास किसने होना है, मैं तो तन्हा अकेला वक्त गुजार रहा हूँ, ये दरवाजे और ये दीवारें मुझे काटने को आ रही हैं। आलिया मैंने सुना था कि दीवारों के कान होते हैं, ये दीवारों के दांत कब निकल आए हैं? हाँ आलिया, तो मैं क्या बताऊँ, तुमने कभी मेरी कमी महसूस की हो तो तुम्हें पता चले ना कि तन्हाई क्या होती है। अब मैं आपको जान जान के उदास करती हूँ, वरना पता है आपके बिगड़ने के खासे चांसेस। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम वापस कब आ रही हो? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, शाम को नाहिद से मशवरा करूंगी, फिर आपको बता दूंगी कि मैं कब वापस आऊंगी। प्लीज आलिया, शाम को मुझे फोन मत करना। क्यों, आप कहीं जा रहे हैं शाम को? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब था कि अगर शाम को तुम फोन करोगी तो तुम्हारी आवाज सुनकर फिर मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। आलिया तो चलें कोई बात नहीं, आज रात आप भी तारे गिन के गुजार लीजिएगा। लेकिन आलिया बेडरूम से तो तारे नजर ही नहीं आते। अच्छा चलें ठीक है, आप रात को चैन की नींद सो जाइए, मैं सुबह आपको फोन करती हूं। अच्छा ओके आलिया, ठीक है, शाम को तुम फोन ना करना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना आलिया। ओके अमजद, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।
हाँ जी हाँ जी, हम सब लोग पहुँचने वाले हैं, आप लोग पहुँच जाए। हाँ जी हाँ जी, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? वो जी नाहिद का फोन था। बड़ी अम्मी बड़ी अम्मी, सारे लोग गाड़ियों में तैयार होके बैठे हुए हैं जी, तो आप लोग अभी तक यहाँ हैं? सारियां गाड़ियां स्टार्ट हो गई हैं, घूं 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 कर रही हैं। आंटी जी जल्दी करें ना, देर हो रही है। बस अरे अमजद तैयार हो जाए तो बस अभी निकलते हैं। अमजद भाई जल्दी करें, हम लोग आपके इंतजार में खड़े हैं। जा मेरा बेटा भाई को हार तो पहना के लिए। अच्छा है? और आते हुए ना मिठाई का टोकरा जरूर ले आना। अच्छा। हम गाड़ी में जा रहे हैं। दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया नी सयो कोड़ी चढ़िया परम। क्या आपने कोई डरावना ख्वाब देखा अमजद? मेरी बेटी वो दुल्हन